नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में सुखाड़ की आशंका, कृषि मंत्री ने वैज्ञानिकों के साथ किया मंथन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश पर राज्य में सुखाड़ की आशंका को देखते हुए कृषि विभाग सतर्क हो गया है। वर्ष 2022 में औसत से 58% कम बारिश होने की वजह से किसानों में मायूसी है। किसान के चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रहे, इसके लिए कृषि मंत्री बादल पत्रलेख की अध्यक्षता में कृषि विज्ञान केंद्र एवं बिरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कृषि वैज्ञानिकों के साथ वर्तमान हालात पर मंथन किया गया। बता दें, नेपाल हाउस स्थित सभागार में कृषि मंत्री ने कहा है कि सबसे कम बारिश की वजह से बुआई का काम काफ़ी कम हुआ है, जो चिंता का विषय है। इसलिए कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के अनुरूप दस्तावेज तैयार कर किसानों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाए। मल्टी क्रॉप को बढ़ावा देने के लिए चावल और गेहूँ के साथ दलहन व अन्य खेती पर भी फोकस करना होगा। कृषि मंत्री ने कहा है कि ऐसी विषम परिस्थिति में राज्य के किसान कृषि वैज्ञानिकों से शोध की गुणवत्ता के उत्कृष्ट उदाहरणों की अपेक्षा रखता है। झारखंड में मिला मंकी पॉक्स का मरीज, गढ़वा सदर अस्पताल में भर्ती। झारखंड के गढ़वा शहर के टंडवा मोहल्ले की एक 7 वर्षीय बालिका में मंकी पॉक्स के लक्षण पाए गए हैं। बालिका को सदर अस्पताल के एक वार्ड में अलग रखकर इलाज किया जा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक मंकी पॉक्स होने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन बच्ची के शरीर में मंकी पॉक्स से मिलते जुलते लक्षण होने की बात कही जा रही है। बता दें, उसके शरीर पर छाले होने, दर्द व कई अन्य लक्षण बताए जा रहे हैं। इस संबंध में जिला महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा ने बताया है कि जिला सर्विस लाइन टीम बीमार बालिका की स्थिति पर नज़र रखे हुए है। फिलहाल सदर अस्पताल में एक वार्ड में रहकर इसका इलाज किया जा रहा है। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में मदद करेगी सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय सभागार में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सर्विस एग्जाम 2021 में सफल हुए राज्य के अभ्यर्थियों के अभिनंदन समारोह में कहा है कि राज्य सरकार प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं का सारथी बनेगी। राज्य में जल्द ही मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य राज्य के सभी वर्ग समुदाय के वैसे अभ्यर्थी जो UPSC, JPSC सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग इत्यादि के खर्च का वहन नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें राज्य सरकार अपने खर्च से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराएगी। झारखंड में पुरानी पेंशन को लेकर गड़बड़ी। पुरानी पेंशन योजना से संबंधित प्रस्ताव एक बार फिर कैबिनेट की सहमति के लिए तैयार किया जाएगा। इसका कारण तारीखों में हुई गड़बड़ियों के कारण हुआ है। दरअसल प्रस्ताव में एक निर्धारित तिथि तक कर्मियों की सहमति प्राप्त कर लेने का उल्लेख था, लेकिन कैबिनेट की अनुशंसा ही इस तारीख के बाद प्राप्त हुई। सूत्रों के अनुसार प्रस्ताव में 30 जून तक कर्मियों की सहमति प्राप्त कर लेने की बात का उल्लेख था। विभिन्न विभागों से होते हुए इस प्रस्ताव को कैबिनेट तक पहुंचने में देरी हुई और कैबिनेट की बैठक में 15 जुलाई को अनुमति मिली। ऐसे में इससे संबंधित संलेख में किसी प्रकार के बदलाव के लिए भी कैबिनेट की अनुमति अनिवार्य होगी। ऐसे में प्रस्ताव कैबिनेट के पास भेजा जाना होगा। वहीं दूसरी ओर इस संदर्भ में SOP बनाने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का भी गठन होना है, जिसके लिए अभी तक आदेश जारी नहीं हुआ है। झारखंड के 52 लाख बिजली उपभोक्ताओं की होगी KYC। झारखंड सरकार प्रदेश के 52 लाख बिजली उपभोक्ताओं की KYC कराएगा। राज्य बिजली वितरण निगम इसकी तैयारी में जुट गया है। KYC के जरिए सारा ब्यौरा संग्रह किया जाएगा। KYC के जरिए इसमें उपभोक्ताओं से जुड़ी तमाम जानकारियों के अलावा उनका क्षेत्र, संबंधित फील्डर, सब स्टेशन और ट्रांसफार्मर से जुड़ी सूचना भी होगी। उपभोक्ताओं से संबंधित तमाम जानकारी संग्रह करने का उद्देश्य यह है कि आने वाले दिनों में सीधे उपभोक्ताओं से संपर्क स्थापित किए जा सके। बता दें, तकनीकी दिक्कतों से लेकर अन्य जरूरी सूचनाएं उपभोक्ताओं तक पहुंचे ताकि उन्हें सहूलियत मिले। अगर किसी क्षेत्र में बिजली कटने वाले हैं या कहीं है तो इसकी सूचना भी संबंधित उपभोक्ता को मोबाइल पर संदेश के जरिए मिलने, ताकि कब तक स्थिति सामान्य होगी, कनेक्शन कहीं अन्यत्र ट्रांसफार्मर करने की स्थिति में भी उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। झारखंड में कैंप करेंगे अविनाश पांडे। राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग से शीर्ष नेतृत्व सकते में है। पार्टी लाइन से अलग जाकर कांग्रेस के कम 9 विधायकों ने रागज प्रत्याशी के पक्ष में वोट दिए हैं। इसे प्रदेश में बड़े राजनीतिक बदलाव के साथ साथ कांग्रेस में संभावित उथल पुथल से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जाता है कि एक मंत्री ने क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों की अगुवाई की है।
जनजातीय समुदाय के पार्टी विधायकों का उन्हें साथ मिला। अधिकांश महिला विधायकों ने भी उनका साथ दिया है। छठी जेपीएससी नियुक्ति विवाद। छठी जेपीएससी नियुक्ति को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी पर सुनवाई हुई। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रवि कुमार की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों की ओर से बहस की गई। समयाभाव के चलते मामले में बुधवार को भी सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल व अमृतांश वत्सल ने अदालत को बताया है कि छठी जेपीएससी में हाई कोर्ट का आदेश बिल्कुल सही है, विज्ञापन और सिलेबस के अनुसार ही परिणाम जारी हुआ है। झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी में नामांकन इसी सत्र से। झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी से अब आप घर बैठे नामांकन लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। झारखंड गठन के करीब 22 वर्षों बाद झारखंड में ओपन यूनिवर्सिटी की शुरुआत हो रही है। कामकाजी लोगों के लिए यह मील का पत्थर साबित होगा। झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी में नए कोर्स के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। प्रथम चरण में कुल 16 नए कोर्स शुरू होंगे। झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी के कुलपति टीएन साहू ने यह जानकारी दी है। टीएन साहू झारखंड लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य और रांची विश्वविद्यालय के प्रोक्टर रह चुके हैं। बता दें, कुलपति की नियुक्ति से ओपन यूनिवर्सिटी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता मिलने का रास्ता भी साफ हो गया है। सूखाग्रस्त घोषित होगा झारखंड, मंत्री सत्यानंद का बड़ा ऐलान। झारखंड सरकार के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण सह कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि अनावृष्टि के कारण झारखंड की स्थिति भयावह है। बारिश नहीं होने के कारण संपूर्ण प्रदेश इस समय सूखे की चपेट में है। सुखाड़ से निपटने के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने तैयारियाँ शुरू कर दी है। बहुत ही जल्द इसकी घोषणा की जाएगी। बता दें, मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने मंगलवार को बातचीत के क्रम में छात्रा कार्यालय में आयोजित प्रश्न प्रहार में उक्त बातें कही। मंत्री ने कहा है कि खेती किसानी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए तत्पर है। पालतू जानवर से मंकी पॉक्स का खतरा, सरकारी अलर्ट जारी। देश में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए झारखंड में दहशत का आलम है। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को अलर्ट जारी कर दिया है। सिविल सर्जन को सदर अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड तैयार रखने को कहा गया है। बता दें, जिलों में तेजी से आइसोलेशन वार्ड तैयार करने की कवायद भी शुरू हो गई है। मंकी पॉक्स के मरीजों को यहां रखकर इलाज किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जन को इस संबंध में एक एडवाइजरी भी जारी किया है। राजधानी रांची के सदर अस्पताल में तो मंकी पॉक्स के इलाज के लिए ऊपरी तले पर आइसोलेशन वार्ड बना भी दिया गया है। यहाँ पर करीब 20 बेड रखे गए हैं। मंकी पॉक्स के मरीजों को यहां भी रखा जाएगा। स्नातक परीक्षा में बदलाव, 5 प्रश्नों का उत्तर देने का पैटर्न खत्म। स्नातक की परीक्षा में किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देने का काफी पुराना पैटर्न अब खत्म होगा। अब परीक्षा में नया पैटर्न लागू होगा जो विद्यार्थियों के लिए भी काफी लाभकारी होगा। उनके ज्ञान का सही मूल्यांकन भी होगा, विद्यार्थियों को अंक भी अधिक मिलेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए राज्य में तैयार किए गए नए करिकुलम फ्रेमवर्क तथा क्रेडिट सिस्टम में परीक्षा का पैटर्न पूरी तरह बदल गया है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के खंडेवाल की अध्यक्षता वाली कमेटी में नया करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। झारखंड राज्य फसल राहत योजना से प्राप्त करे सरकारी लाभ। सार्वजनिक धन और किसानों के कल्याण दोनों को सुरक्षित रखने के लिए झारखंड सरकार द्वारा झारखंड राज्य फसल राहत योजना के नाम से एक नई योजना की घोषणा की गई है। यह योजना मुख्य रूप से किसी भी प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक दुर्घटनाओं के कारण फसल क्षति की स्थिति में कृषकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके। बता दें, झारखंड राज्य फसल राहत योजना फसल बीमा योजना न होकर फसल क्षति होने पर किसानों को प्रदान की जाने वाली एक क्षतिपूर्ति योजना है। झारखंड राज्य फसल राहत योजना का लाभ लेने के लिए भूस्वामी और भूमिहीन किसानों को सरकारी वेबसाइट पर जाकर पंजीयन कराना होगा। गूगल सर्च इंजन में झारखंड राज्य फसल राहत योजना लिखकर क्लिक करेंगे तो इस साइट खुल जाएंगी। अवैध खनन घोटाला में हेमंत सोरेन के एक और करीबी पर ईडी का शिकंजा। झारखंड में अवैध खनन घोटाले मामले में गिरफ्तार जेएमएम के वरिष्ठ नेता पंकज मिश्रा से पूछताछ के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिट्टू को भी समन जारी किया है। अभिषेक प्रसाद को समन कर 1 अगस्त को ईडी कार्यालय बुलाया गया। इससे पहले
सीएम हेमंत सोरेन की विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से 6 दिनों तक रिमांड पर पूछताछ में ईडी को अवैध खनन मामले में अभिषेक प्रसाद के बारे में भी कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। इस पूछताछ में ईडी को पंकज मिश्रा और अभिषेक प्रसाद उर्फ पिट्टू के बीच हुई बातचीत का विवरण भी मिला है। बच्चों को अविलंब दी जाए कुकिंग कॉस्ट की राशि, रांची उपायुक्त। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में मंगलवार को पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने कहा है कि बच्चों को अविलंब कुकिंग कॉस्ट की राशि दी जाए। इससे पहले उपायुक्त ने कुकिंग कॉस्ट की राशि छात्रों को दिए जाने की समीक्षा भी की। डीबीटी के माध्यम से छात्रों के बैंक खाता में राशि दिए जाने और बचे छात्रों के नगद भुगतान के बारे में भी उन्होंने विस्तृत से जानकारी ली। बैठक में जिला शिक्षा अधीक्षक ने बताया है कि नगद और डीबीटी के माध्यम से लगभग 96% राशि दी जा चुकी है। डीपीएस रांची फिर इंडिया क्विज में स्टेट चैंपियन बना। डीपीएस स्कूल रांची फिट इंडिया क्विज 2021 में स्टेट चैंपियन बना है। इस क्विज का आयोजन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से किया गया था। स्कूल के साकेब अरसलान और वैष्णव गरोड़िया को 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार मिला है, जबकि विद्यालय को 2,50,000 रुपये का इनामी पुरस्कार मिला है। विद्यालय के प्रतिभागियों को भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा सम्मानित किया गया। डीपीएस रांची के छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर के सेमीफाइनल राउंड के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। सत्याग्रह में झारखंड कांग्रेस के 18 में से 6 विधायक हुए उपस्थित। झारखंड में कांग्रेस को एकजुट रखने की चुनौती समय के साथ बढ़ती ही चली जा रही है। दिल्ली दरबार से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक की नज़र कांग्रेस के 18 विधायकों पर टिकी है। राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग के बाद से प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज है। लाख प्रयास के बावजूद कांग्रेस के सभी विधायक एक मंच पर नज़र नहीं आ रहे। रांची में कांग्रेस के सत्याग्रह कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस का सत्य सबके सामने आ गया है। कांग्रेस के 18 में से 6 विधायक ही सत्याग्रह कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। न्यूजीलैंड के ऐप से रांची पुलिस की पेट्रोलिंग वैन पर नज़र। झारखंड की राजधानी रांची की पुलिस की निगरानी अब न्यूजीलैंड के बने ऐप से होगी। रांची में हाल के दिनों में अपराध की घटनाओं में इजाफा हुआ है, जिसे देखते हुए रांची पुलिस अब एक्शन में है। अपराध पर लगाम लगाने और क्विक एक्शन के लिए गश्ती वाहन PCR सहित टाइगर पर जिम्मेवारी होती है, लेकिन कई बार सूचना के बाद भी ये वाहन समय पर नहीं पहुंचते, जिसे देखते हुए अब इसके मूवमेंट पर न्यूजीलैंड के बने ऐप से निगरानी होगी। इसकी जांच न सिर्फ कंट्रोल रूम बल्कि थाना स्तर से भी की जा सकेगी। पलामू में सुखाड़ को लेकर उपायुक्त ने की बैठक। पलामू जिले में संभावित सुखाड़ के मद्देनजर उपायुक्त आंजनेयुलु दोड्डे ने मंगलवार को विभिन्न पदाधिकारियों संग बैठक की। समाहरणालय के सभागार में आयोजित बैठक में उपायुक्त ने विभिन्न अंचलों में मौजूद जमींदारी बांध की जानकारी ली। इस दौरान लघु सिंचाई प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि जिले में जितने भी 5 एकड़ से अधिक के बांध हैं, उसकी मरम्मती का कार्य लघु सिंचाई विभाग द्वारा किया जा रहा है। साथ ही 5 एकड़ से कम क्षेत्रफल वाले बांध को अभी वर्तमान में लघु सिंचाई में लेने की योजना नहीं है। झारखंड के सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद को ईडी का समन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद को ईडी ने समन भेजा है। इन्हें 1 अगस्त को ऑफिस में पेश होने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ईडी रिमांड पर हैं। इससे पहले ईडी ने छापेमारी कर झारखंड की निलंबित IAS पूजा सिंगल को गिरफ्तार किया था और रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी। वह फिलहाल होटवार जेल में हैं। झारखंड में बेहतर कैंसर संस्थान हो, सांसद संजय। रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा है कि झारखंड में कैंसर मरीजों की बढ़ती संख्या चिंताजनक है। इलाज के लिए लोग महानगरों की ओर जाने को विवश हैं। राज्य सरकार से आग्रह किया है कि झारखंड में भी एक और बेहतर कैंसर संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाए। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने लोकसभा में रांची सांसद से पूछे गए सवाल पर बताया है कि कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए भारत सरकार राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके तहत पहले से उपचार आरम्भ किए गए रोगियों की कीमोथेरेपी सुनिश्चित करने के लिए देश भर में 266 जिला डे केयर में स्थापित किए गए हैं।
प्रगतिशील लेखक संघ का राज्य सम्मेलन 30 व 31 जुलाई को रांची में। झारखंड प्रगतिशील लेखक संघ का राज्य सम्मेलन 30 एवं 31 जुलाई को रांची के डॉक्टर कमिल बुक के पथ के एसडीसी सभागार में आयोजित किया जाएगा। राज्य सम्मेलन को लेकर रणेंद्र की अध्यक्षता में स्वागत सह आयोजन समिति की बैठक डॉक्टर आरडी मुंडा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट में हुई। इसमें तैयारियों की समीक्षा की गई। आपको बता दें कि प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलन स्थल का नामांकन दिवंगत आलोचक और प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर खगेंद्र ठाकुर की स्मृतियों को समर्पित है। इस वजह से सम्मेलन स्थल का नामांकन खगेंद्र ठाकुर नगर किया गया है। कारगिल विजय दिवस पर बीजेपी ने निकाली पद यात्रा। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सैनिकों के सम्मान में मंगलवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा रांची महानगर अध्यक्ष रोमित नारायण सिंह के नेतृत्व में डिप्टी पाड़ा कचहरी चौक से शहीद चौक तक कारगिल विजय पद यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारतीय सेना जिंदाबाद, कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिक अमर रहे नारों से पूरा शहर गूंज रहा था। रांची विधायक सीपी सिन्हा ने कहा है कि आज के ही दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को कारगिल के दुर्गम पहाड़ों पर मुंहतोड़ जवाब देकर परास्त किया था। कारगिल विजय भारतीय सेना के अदम्य साहस, समर्पण, कार्य कुशलता और त्याग के लिए सदैव याद किया जाएगा। पंकज मिश्रा 6 दिनों की ईडी रिमांड पर। टेंडर मैनेज करने के मामले में हुई मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार जेएमएम नेता पंकज मिश्रा की पुलिस रिमांड की अवधि मंगलवार को खत्म हो रही थी। इस कारण उन्हें एमपी एमएलए के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। पंकज मिश्रा से पूछताछ की कार्रवाई पूरी नहीं होने की वजह से ईडी की ओर से 8 दिनों की रिमांड मांगी गई, जिसे अदालत ने 6 दिनों की रिमांड पर भेजा है। आपको बता दें कि ईडी ने टेंडर मैनेज करने के मामले में छापेमारी के बाद पूछताछ के लिए पंकज मिश्रा को समन जारी किया था। पूजा सिंघल को नहीं मिली जमानत, अगली सुनवाई 3 अगस्त को। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार और निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को जमानत के लिए अभी इंतजार करना होगा। जमानत याचिका को लेकर विशेष अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट से जमानत नहीं मिली। कोर्ट ने अगली सुनवाई 3 अगस्त 2022 को निर्धारित की है। बता दें हुई सुनवाई में ईडी ने कोर्ट से जवाब दायर करने के लिए समय की मांग की है। इस वजह से सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित की गई है। झारखंड के सीएम और गवर्नर ने कारगिल विजय दिवस की दी शुभकामना। कारगिल विजय दिवस के मौके पर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस और सीएम हेमंत सोरेन ने शुभकामनाएं दी है। इसके साथ ही उन्होंने प्राणों की आहुति देकर इस विजय गाथा को लिखने वाले जवानों को नमन भी किया। सीएम हेमंत सोरेन और राज्यपाल रमेश बैस ने ट्वीट पर शुभकामनाएं देते हुए शहीद जवानों को नमन किया। बता दें सीएम हेमंत सोरेन ने अपने ट्वीट में देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सेना के वीर जवानों को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शत शत नमन किया। इस अवसर पर उन्होंने देश के वीर सैनिकों, उनके परिवारजनों समेत समस्त देशवासियों को भी नमन किया है। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।